नमस्कार, में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में युवा विरोध कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम को सरकार वापस ले ले। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी लिया। ट्रेनें जलाई गई, बसें फूंकी गई, चौराहे पर जाम किए गए, सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को भी भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और विरोध में शामिल किसी भी उपद्रवी को सेना में भर्ती भी नहीं किया जाएगा। अब डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस, एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत। तो सुना आपने, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने साफ तौर पर कह दिया कि अग्निपथ योजना को वापस लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा उपद्रवियों को चेतावनी भी दी है कि अगर विरोध के दौरान उपद्रव के मुकदमे में नाम आया तो फिर नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के इस चेतावनी के बाद सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये है कौन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन्हें ही क्यों चुना गया। चलिए आपको लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी की शख्सियत से वाकिफ कराते हैं। कौन है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी अग्निपथ योजना को तैयार करने वाले लोगों में शामिल हैं। इस योजना के आकार में लेने की हर प्रक्रिया में वह करीब से जुड़े हैं और इसके हर छोटे बड़े पहलू को बेहतर तरीके से समझते हैं। वह इस समय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी 2.5 साल पहले बनाए गए सैन्य मामलों के विभाग में सबसे सीनियर अधिकारी हैं। वे यहां एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें कि DMA सरकार और सेनाओं के बीच पुल का काम करता है और इसके मुखिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS होते हैं। फिलहाल जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद से CDS का पद खाली है। देश के पहले CDS दिवंगत जनरल विपिन रावत सेना भर्ती प्रक्रिया में सुधार और आयु सीमा घटाने के मुखर समर्थक थे। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल VK सिंह भी खुलकर कह चुके हैं कि कारगिल युद्ध के बाद से ही सेना भर्ती प्रक्रिया में सुधार की योजना बन रही है। CDS बनते ही जनरल रावत ने इस पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। जनरल रावत ने इस योजना को अमली जामा पहनाने का जिम्मा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को दिया था। जनरल पुरी उन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों में से हैं जिनकी देखरेख में ही अग्निपथ योजना तैयार की गई है। पुरी ने खुद भी कहा कि तीनों सेनाओं की उम्र घटाने की योजना काफी समय से बन रही थी। कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी इस बारे में टिप्पणियां की थी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी कौन है और उनकी पावर क्या है।